हेलो दोस्तों, जय माता दी। देखिए आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। हम आज बनाएंगे आलू की टिक्की जो व्रत में प्रयोग की जाती है। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आप ये सामग्री देख लीजिए। ये उबले हुए आलू हमने छील के रखे हैं। ये देखिए, ये सिंधा नमक और ये कटी हुई हरी मिर्च और ये काली मिर्च पाउडर। अब सबसे पहले आप कद्दूकस लीजिए और आलू को ऐसे खींच लीजिए। ये देखिए ऐसे, ये आलू हमने इसमें खींच लिया है। ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने तवा रखा है गैस पे गर्म होने के लिए। जब तक हम ये आलू इसमें खींच रहे हैं ना, तब तक ये हमारा तवा गर्म हो जाएगा। अब देखिए ये आलू, देखिए अब इसमें आप सिंधा नमक डाल लीजिए। ये देखिए, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर पिसी हुई बारीक, गैस को कम कर दीजिए थोड़ा। और ये थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लीजिए। अब इसको आप ऐसे मिक्स कर लीजिए। वैसे तो टिक्की सभी खाते हैं, लेकिन ये व्रत वाली टिक्की है, इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें अन्न का तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं है। ये देखिए, ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया है, बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तवे पर तेल डालेंगे। ऐसे ऐसे पूरे तवे पर फैल जाना चाहिए तेल। क्योंकि इस पे टिक्की चिपके नहीं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ऐसे ऐसे कीजिए इसको, ऐसे आप आलू की टिक्की बनाइए। ये देखिए बिल्कुल आसान है। अब इसको ऐसे तवे पर रख दीजिए। देखिए कितना आसान है टिक्की बनाना। एक साथ हम इस पर चार पांच टिक्की रख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने एक साथ चार पांच टिक्की बनाई है। ये देखिए, ये देखिए कितना आसान है टिक्की बनाना। कलर देखिए ऐसे, चौकी की मदद से या फिर चिमटे की मदद से ऐसे पलट लीजिए ऐसे। ये देखिए, अब हमारी टिक्की बिल्कुल तैयार है। आप इनको थोड़ा ब्राउन होने दीजिए ऐसे। और आपकी गरम गरम टिक्की तैयार है, आलू वाली टिक्की। इनको सिकने दीजिए अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा सा इनकी साइडों में ऐसे तेल डाल दीजिए, देखिए जिससे ये चिपके नहीं। अब इसको
ब्राउन होने तक सिकने दीजिए। अब हमारे कितनी सिक रही है देखो, और कितनी सुंदर भी लग रही है। ये देखिए, अब ये ब्राउन हो चुकी है इस साइड से, ये देखिए ऐसे उनका कलर चेंज हो गया। ये देखिए इनको व्रत में खा सकते हैं, आपने किसी भी चीज का व्रत रखा हो, लेकिन चिंता नमक डालना जरूर। अब देखो हमारी चिट्ठी बिल्कुल तैयार हो गई। अब इनको दही के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहे तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं। अब हमारी टिक्की बिल्कुल तैयार है। जय माता दी दोस्तों, अगर आपको हमारी ये टिक्की पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। जय माता दी दोस्तों।